हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीषित करे और ये सुंदर समय को, सुंदर दिन को प्रभु ने देखने दिया, उसलिए प्रभु का नाम का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु ने हमको, मुझको सही सलामत रखा और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के दया से आप लोग सुरक्षित है, सलामत है, मेरा विश्वास है। आइए उस परमेश्वर के पास हम लोग ज्यादा समय को व्यतीत ना करके परमेश्वर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और वचन में हम लोग जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम लोग मेरे साथ आप सब मिलके परमेश्वर के लिए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। ते धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, आज के कार्यक्रम को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। गाने के माध्यम से पिता परमेश्वर, वचन के माध्यम से तू आराधना पाए पिता, और शैतान कोई भी कार्य ना करने पाए प्रभु, यीशु नाज़री के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हरेक के जीवन में तेरा दया, तेरा सच्चाई, तेरा अनुग्रह हरेक के जीवन में आने पाए, ऐसे तू कार्य कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है बेटा। ये विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए आराधना करेंगे परमेश्वर की ऊंची आवाज से। ये बहुत पुराना गाना है और लगभग सभी कोई जानते हैं इस गाने को। हम लोग मिलके परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग परमेश्वर का आराधना करेंगे। यीशु है सच्चा गढ़िया, उसकी हम बड़े हैं। सच में परमेश्वर हमारे लिए क्या है, चरवा है। यीशु हमारा क्या है, चरवा है। उसको वो हमको क्या करता है, हरी हरी चराए पे क्या करता है, ले जाता है। आइए उस गाने को हम लोग आएंगे। यीशु है सच्चा गढ़िया, उसकी हम फेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गढ़िया, उसकी हम फेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। बादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुख डर के बैठे हैं वो। बादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर करने बहते हैं वो। है जगरिया, उसकी हम देते हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मर्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें चुराता है वो। मर्दों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें चुराता है वो। यीशु है सच्चा गढ़िया, उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हम चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के पास, वचन में जाने से पहले परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के पास हम आए और परमेश्वर के निवेदन करें कि प्रभु हम जो वचन को सुने
उस वचन में हमको ज्ञान बुद्धि दे, समझने के लिए शक्ति दे प्रभु, और उस वचन को जीवन के अंत तक हम पकड़ के चलने पाए। इसलिए हम लोग अपने अपने स्थानों में आंखों को बंद करें और अपने दिल को परमेश्वर के ओर लगा दीजिए, अपने मन को परमेश्वर के ओर लगा दीजिए। देखिए परमेश्वर आपके बीच में है, परमेश्वर आपका चरवाहा बन के आपके संग संग चलने वाला परमेश्वर आज आपके पास खड़ा है, आज उसका हाथ आपके सर पे है, आप आज आप आशीषित बनने वाले हैं मेरे प्रियो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जलाल करते हैं प्रभु जी। अब तक तू हमको संभाल के रखा पिता, तेरे धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे दया के लिए पिता मेश्वर। कितने लोग पिता मेश्वर, हालेलुया, जवान भाई बहन लोग गुजर जा रहे हैं पिता मेश्वर, मगर तूने हमको जिंदा सलामत रखा तेरे धन्यवाद देते हैं। तेरी प्रशंसा करने के लिए पिता तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने हमको संभाला तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हर एक के जीवन में आ जाए प्रभु। और पिता आज जो वचन तूने हमको दिखाया है पिता मेश्वर, उस वचन के अनुसार तू हमसे बातें कर प्रभु। और प्रभु जी हर एक जीवन में, हर एक के मन में तू बातें कर पिता मेश्वर, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करने के लिए उनको दया, उनके ऊपर अनुग्रह कर पिता, जिससे उनके जीवन में ये वचन पिता लाभदायक होने पाए। केवल जीवन में नहीं बल्कि अनंत जीवन को भी पाने के लिए यही वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। ऐसे तू कार्य कर पिता, हर एक के जीवन में तू कार्य कर, दया सच्चाई अनुग्रह से भर। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं, तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है पिता। ये विश्वास के साथ प्रार्थना को पिता मेश्वर तेरे प्रिय प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर भला और दयालु और क्या है हमारे लिए, वो कृपावन परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, अद्भुत रीति से हमको आशीषित देता है। हम आशीषित लोग हैं मेरे प्रियो, हम आशीषित लोग हैं, मगर परमेश्वर कुछ बातों को यह हम वचन में देखते हैं तो कुछ बातों को हमारे बीच में प्रभु रखता है। हम लोग देखते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 7 का हम लोग 13 और 14 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो, सफेद फाटक से प्रवेश करो क्योंकि सफेद फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकाल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत सारे जो उससे प्रवेश करते हैं। और हम 14 में जब पढ़ते हैं क्योंकि सकेत वे है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम संसार में बहुत सारे मसीह लोगों को देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को पहचानते हैं, बाइबल भी है उनके पास, वचन भी है उनके पास, मगर उस रास्ते पर जो सकरा रास्ता है उस रास्ते में प्रवेश करने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं मेरे प्रियो। उसी में हम लोग जब रेफरेंस में देखते हैं लुका के सुसमाचार उसका 8 का 24 को जब देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सॉरी 8 का 13 का 24 को हम लोग जब देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकेत द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो। वो सकेत द्वार, उस पतला सा द्वार में हमको उस रास्ते में चलना, प्रवेश करने के लिए क्या करने बोल रहा है, परिश्रम करने बोल रहा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत सारे प्रवेश कर
करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। लोग बहुत प्रयास करते हैं किंतु संसार का मोह माया, संसार का अभिलाषा उनके जीवन में क्या करता है, हावी हो जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने वाले लोग भी क्या करते हैं और परमेश्वर का दर्शन को पाने वाले लोग भी क्या करते हैं, उस रास्ते पे तो चलने की कोशिश करते हैं मगर जा नहीं पाते मेरे प्रियो। और वो क्या होते हैं, उस अंधकार के रास्ता में, उस दलदल की रास्ता में, उस चौड़े रास्ते में चलने के लिए कोशिश करते हैं। हालेलुया। कोशिश तो मैं नहीं कहूंगा, चौड़ा रास्ता चलना बहुत आसान है। मैं अगर इमेजिन करूं, आप अगर रेल पटरी में, बचपन में हम लोग क्या करते, रेल पटरी में चलते थे, हाथ का से फैला के बैलेंस करके चलते थे क्योंकि ना गिरे। अगर मैं उसको पट्टा को चौड़ा कर दूं तो मुझको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, मैं आराम से पार हो जाऊंगा। परमेश्वर के राज्य में भी आपको अगर प्रवेश करना है तो मुश्किल को संभल संभल के आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर एक परिंदा, एक चींटी भी नहीं प्रवेश कर सकता जब तक परमेश्वर का अनुमति ना हो। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके कार्य के लिए आगे बढ़े तो आपको कठिनाई से आपको होना ही पड़ेगा। जब तक आप कठिनाई से नहीं पार होंगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। आपको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, आप संसार के मोह माया को त्यागना पड़ेगा, संसार से आपको बैर होना पड़ेगा। संसार आपको पूछेगा नहीं, संसार आपको नहीं जानेगा, आपके अपने लोग आपको नहीं पहचानेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा, लोग आपसे दूर होने के लिए कोशिश करेंगे मगर जो आत्मिक लोग हैं वो आपके करीब आएंगे, मगर ज्यादातर अपने लोग ही आपका क्या होंगे, दुश्मन हो जाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल जीवन में ये हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और इसी में हम क्या होते हैं, दो मन वाले हो जाते हैं, हम सोच नहीं पाते कि हम क्या करेंगे। मेरे प्रियो, आपको उस रास्ते पर अगर चलना है तो आपको ठानना पड़ेगा। रास्ते में कांटे आएंगे, परिश्रम आएंगे, लोग आपको थू करेंगे, अपने लोग आपको बोलेंगे, मगर जीवन आपको पाना है, आनंद जीवन आपको पाना है, उस लाभ को आपको उठाना है, उसके साथ साथ दूसरों को भी बताना है। हालेलुया। तभी आप उस जगह में प्रवेश कर पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम लोग और वचन को देखते हैं, रोमी के किताब को हम देखेंगे, रोमियो उसको 8 का हम लोग जब 4-10 तक पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। फिर हम लोग नीचे पढ़ते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातें पर मन लगाता है, क्या करता है शारीरिक व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति क्या करेगा, शरीर के लिए उसको मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने शरीर की इच्छा को मारता है, अपने शरीर के हर एक जरूरत को मारता है, सिर्फ परमेश्वर के लिए जो सोचता है वो क्या हो जाता है, आध्यात्मिक, आत्मिक बातों में उसका मन लगे रहेगा। हालेलुया। आप 100 में से 100 लोगों को आप इकट्ठा कीजिए, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना, मगर आप अगर उसको प्रभु के बारे, आध्यात्मिक चीज को बारे में बताते हैं, वहां पर 2 लोग आपके पास करीब आएंगे, बाकी सब मैं 2 को भी नहीं बोल सकता, मगर मिनिमम 10 लोग आपके पीछे होंगे और 90 लोग भागेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक चीज में वो लोग शरीर की इच्छा को, शरीर की चिंता को, शरीर की अभिलाषों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मगर हम लोग जब शरीर को छोड़ के परमेश्वर की ओर, आध्यात्मिक की ओर जाते हैं, तब आप आध्यात्मिक लोग बन जाते हैं।
शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर आप शरीर के प्रति मन लगाएंगे तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा बोलने से परमेश्वर की आत्मा के प्रति, देखिए ये शरीर और मन, ये शरीर और आत्मा दोनों के पटरी नहीं होता है, याद रखिए। आत्मा बोलेगा परमेश्वर के करीब जाऊं, मगर शरीर बोलेगा नहीं आज थोड़ा रेस्ट ले ले, आज घर में बैठ जा, चर्च तुमको जाना नहीं है, कहीं मीटिंग में तुमको जाना नहीं है, घर में रेस्ट कर ले, क्या है तुम इतना मेहनत करके जाएगा, धूप के समय में तो मेहनत करने जा रहा है, मगर आत्मा बोलेगा नहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये दोनों का मेल नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मरण है, मरना सबको है मेरे प्रियो, एक ना एक दिन सबको मरना है, मगर मरने के बाद मेरा आत्मा कहाँ जाएगा ये हमको सोचना है, मेरा आत्मा कहाँ पर जाने वाला है। मरना तो सबके लिए तय है, जब हम मैंने जन्म लिया तब से मैं जान गया हूं कि मुझको मरना है, तो ये मरने के बाद मेरा आत्मा कहाँ पर जाएगा, हालेलुया, तो ये हमको सोचना है। तो अब हम नीचे देखते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखता है, ये शरीर का जो अभिलाषा है परमेश्वर से वैर, परमेश्वर से दुश्मनी, परमेश्वर की शत्रुता करते हम, और परमेश्वर से जो शत्रुता करता है उसका जीवन क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, हालेलुया, वो व्यर्थ जीवन जीता है, कुछ भी फायदा नहीं है, उस संसार को भी जय कर ले, धन संपत्ति भी जय कर ले, अगर उसका आत्मा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता है, परमेश्वर के राज्य में नहीं जा रहा है, तो वो क्या हो गया है, व्यर्थ हो गया है, हालेलुया। सब कुछ लाभ कर लिया, संसार का हर चीज को लाभ कर लिया, धन दौलत शौहरत इज्जत सब कुछ लाभ कर लिया, मगर अगर उसका आत्मा परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा तो उसका जीवन क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था का अधीन है और ना हो सकता है, वो किसी में अधीन नहीं हो सकता, ये वचन में वो अधीन कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शरीर की अभिलाषा में चलता है, हालेलुया। सांसारिक लोग शरीर की अभिलाषा, सिगरेट फूकेंगे, गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, सब व्यभिचार करेंगे, दोष लगाएंगे, गाली देंगे, मतवालापन करेंगे, सारे चीज में, एक मैंने बहुत सारे चीज में आपको बताऊंगा, मतलब पाप के बारे, व्यभिचार में लिप्त होना, हर एक विषय में वो लोग क्या कर देंगे, लिप्त हो जाएंगे। इस संसार के लोग हैं, संसार के लिए जीते हैं, अपने लिए सोचते हैं, हालेलुया। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, अगर आप शारीरिक दशा में हैं तो परमेश्वर को कभी आप खुश नहीं कर सकते हैं, हालेलुया। इसलिए ये शरीर की चिंता को क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा और परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा। इसी में हम लोग अगर देखते हैं इब्रानी 11:6 में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो विश्वास करना आपके लिए जरूरी है मेरे प्रिय, हालेलुया। विश्वास के साथ हम शरीर को भी अगर जोड़ते हैं तो शरीर को भी क्या करना है, हमको मात देना है, शरीर की इच्छा को मात देना है। शरीर बोलेगा अरे भाई पाप कर ले, चोरी कर ले, क्या है थोड़ा चुरा ले, बाप का पॉकेट से पैसा निकाल ले, माँ के पॉकेट से पैसा निकाल ले, कुछ नहीं होगा, 10 रुपए 20 रुपए निकालने से क्या होगा, शरीर की सोच है, मगर आत्मा आपको बोलेगा, उसी टाइम आपका आत्मा बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं। परमेश्वर देख रहा है, हालेलुया। इस आत्मा का आवाज को सुन के अगर आप फॉलो करेंगे तो परमेश्वर को आप क्या कर सकेंगे, प्रसन्न कर सकेंगे। परंतु जबकि देखिए हम लोग 9 को जब पढ़ते हैं वहां पर, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, हालेलुया। फिर से मैं पढ़ता हूं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आत्मा बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, क्योंकि उसके इच्छा मर जाता है वो परमेश्वर की ओर, और परंतु आध्यात्मिक आत्मिक दशा में हो। यदि किसी
किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर का प्रेम नहीं, परमेश्वर का विश्वास नहीं, परमेश्वर का धीरज नहीं, तो आप यीशु का आत्मा आपके अंदर नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या आप अपने आप को परीक्षा कर पा रहे हैं? क्या सच में परमेश्वर आपके जीवन में है क्या? हालेलुया। परखिए, अपना जीवन को परखिए। हालेलुया। आज आप किसके दशा में हैं? परमेश्वर के दशा में हैं कि शैतान के दशा में हैं? ओके, हम लोग नीचे पढ़ते हैं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। क्या किया है? और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। ये शरीर क्या हो गया है? मर गया है। अगर आप मसीह में नहीं है तो ये शरीर जीवित है, अगर आत्मा क्या हुआ है? मर गया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, हम लोग गलातिया 2:20 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सुंदर सा वचन दिया गया है। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। आप रियली में एक मसीह अगर है तो आप क्या करेंगे? अपने आप को मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाना है। और अब मैं जीवित ना रहा, हालेलुया, पर मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। ये सुंदर सा वचन। आप मसीह यीशु में क्या कर लिए हैं? क्रूस पे चढ़ गए और क्या हो गए? आप मर गए हैं। मरना मतलब समझते हैं मेरे प्रियो? मरना मतलब होता है एक व्यक्ति जिंदा रह के भी, मगर यहां पर क्या बोल रहा है? मैं मर गया हूं पर मसीह मुझ में जीवित है। मर गए हैं मगर आप जिंदा है, मगर ये शारीरिक हिसाब से आप क्या हो गए? मर गए। मरने मतलब एक व्यक्ति का, सोच लीजिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना, उदाहरण दे रहा हूं। सोच लीजिए कोई चीज को, अगर सोच लीजिए मुझको ड्रिंक करने का आदी है, मैं शराब का आदी हूं, ठीक है ना, शराब का आदी हूं, और मेरे सामने उस शराब का बोतल को रखा दिया जाता, बोतल को जब रख दिया जाता है, जो मेरा आदी मतलब जिसको मैं प्रिय मानता हूं वो मेरे लिए आदी है, मैं जब प्रभु को सोचता हूं, प्रभु के लिए जब मैं प्रभु के साथ क्रूस में चढ़ गया हूं, मतलब मेरा और कुछ अस्तित्व नहीं है, मैं मर चुका हूं, मरा हुआ हो गया हूं, तो मरा इंसान उस चीज को देख के भी अनजान बनेगा, वो शराब को देख के भी बोलेगा ये शराब, मैं तो मर चुका हूं, उसको मैं पी नहीं पाऊंगा। हालेलुया। मसीह आपके जीवन में ऐसे कार्य करेगा। एक कॉफिन में एक व्यक्ति को, मुर्दा घर में आप एक व्यक्ति को देखेंगे, उसको जितना भी आप चिल्लाइए, जितना भी इसको आंख खोलने की कोशिश कीजिए, जितना भी आप उसको उठाइए, वो बिल्कुल नहीं उठेगा, क्योंकि वो मर गया है। इसी तरह हम जगत के लिए, हमको क्या होना पड़ेगा? मरना पड़ेगा मेरे प्रियो, मर जाना पड़ेगा जगत के लिए। जब आप जगत के लिए मरेंगे तो मसीह आप में क्या होगा? जीवित हो जाएगा। हालेलुया। अब मसीह जब आपके जीवन में जीवित होता है तो असंभव काम आपके जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया। इसलिए कहता है, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर का पुत्र पर है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर आप
प्रभु में जीवित होना चाहते हैं, मसीह में जीवित होना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा को मानना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जब देखते हैं सकरा मार्ग को आपको तय करना पड़ेगा। हाँ, मुश्किल है, उस रास्ता को देखने से आपको लगेगा असंभव है, मगर उसी रास्ता पे आपको चलना पड़ेगा, उसी रास्ते पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे प्रियो। तभी आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के लिए एक आशीषित व्यक्ति बन पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया मेरे प्रियो। जब भी हम सकरा मार्ग में चलते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में क्या आने शुरू हो जाता है, मुसीबतें आ जाता है, कठिनाई आ जाता है, हालेलुया बाधाएं आ जाता है। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ तो कुछ बाधाएं आ जाएगा, प्रार्थना करता हूँ तो कुछ बाधाएं आ जाएगा, ठीक है, मगर हमको परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। जितना बाधा है मुझे प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। हालेलुया, वचन को पालन करना हमको सीखना पड़ेगा। बार बार से प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे सामर्थ दीजिए, जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ उसमें अमल होने पाऊँ, उसके अनुसार चलने पाऊँ। प्रभु मुझको शक्ति दीजिए, मुझको सामर्थ दीजिए प्रभु परमेश्वर, कभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे, आमीन। आइए हम लोग अपने अपने आँख को बंद करें और आज की इस मीटिंग को यहाँ पर ही हम लोग समाप्त करें। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, तूने जो हमारे जीवन में जो वचन को दिया, उस वचन के अनुसार हरेक के जीवन कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, एक भला मनुष्य हम बनने पाए और तेरे वचन के अनुसार उस सकरा मार्ग में चलने के लिए हमको शक्ति दे प्रभु जी, अमल होके तेरे राज्य के लिए हम कार्य करने पाए, ऐसे दया और अनुग्रह कर पिता। हमारे जीवन में तू अपना आप को प्रकट कर, हमारे मन में तू अपने आप को प्रकट कर पिता। पूरी बखश तुलुपुरी खला बसद खैया रखला बसद लखिया लखश तुलुपु चंद लखी लबशुदुरु खुलिया रखिया रे 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 रबम बोला बशुदुरु खुलिया रखला बाला बस सदे रिबान दोलो खुलिया रबाला। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे महिमा के लिए, धन्यवाद देते हैं सारे आदर महिमा जलाल के लिए प्रभु जी। प्रभु जी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वचन के अनुसार अपने आप को अमल करने के लिए पिता परमेश्वर तेरे पास प्रार्थना कर रहे हैं, अपना जीवन को तेरे हाथों में सौंपने के लिए तैयार हो रहे हैं पिता, उनको तू शक्ति दे, उनको सामर्थ्य दे प्रभु जी, जिससे वो लोग सकरा मार्ग में चलने पाए। जितने भी कठिनाई आए, जितने भी समस्या आए, उनके जीवन में तू दया, तेरा अनुग्रह, तेरी सच्चाई उनके जीवन में प्रफुल्ल होने पाए, ऐसे तू कार्य कर पिता। 30 गुना 60 गुना 100 गुना कल्पन कर। और जितने लोग पिता शारीरिक दुर्बलता में है, रोग बीमारी में है, परेशानी में है, टेंशन में है पिता, कुछ भी चीज में पिता, संसार के जितने भी टेंशन है पिता, जो भी चीज में लोग फंसे हुए हैं, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, रोग बीमारी, किडनी की बीमारी, ओ पिता में आंखों का प्रॉब्लम, हर एक विषय को पिता तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं और उस चंगाई का आत्मा को मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से पिता। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सबों के ऊपर पिता में से तेरे हाथ को भेजता हूँ, जो लोग पीड़ा में है, यंत्रणा में है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को कार्य कर, दया कर पिता परमेश्वर, मानसिक दुर्बलता में, संसार के मोह माया में, जाल में फंसे हुए, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से खुल जाए पिता, दया अनुग्रह कर। सारे आदर महिमा जलाल को देते हैं, तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है, विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको जय मसीह की।